हेलो फूडीज, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। नारियल की चटनी तो आपने बहुत सारी खाई होगी, तो एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर से देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं रेसिपी। सबसे पहले एक मिक्सी जार में मैं यहाँ पर फ्रेश कोकोनट ले रही हूँ, तो जो पूरी नारियल की घिरी आती है वो मैंने ले ली है। इसको मैंने छिलके समेत लिया है, आप चाहें तो छिलके इसके हटा सकते हैं। अब इसमें 1.5 टीस्पून जितना भुना चना दाल डालेंगे, या किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे आराम से मिल जाते हैं। फिर इसमें 2 तीखी वाली हरी मिर्च डालेंगे, आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। तो अदरक के मैंने छिलके हटा लिए थे, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब जो नारियल का पानी निकला है ना, वो हम इस टाइम पे डाल देंगे इसमें, और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको 2 से 3 बार चर्न कर लेंगे। तो हल्का सा ही पीसना है इस टाइम पर हमें इसे। अब इस टाइम पे इसमें हम डालेंगे 1/2 कप जितना दही। ध्यान रखिएगा दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसका एक तड़का प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे एक तड़के पैन में मैंने 1 टेबल स्पून जितना ऑयल लिया है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, इसमें हम 1/2 टेबल स्पून जितना उड़द दाल डालेंगे। अगर आपको उड़द दाल मुँह में आए वो पसंद है तो आप उसका एक ही तड़का लगा सकते हैं। तो हमें ये मुँह में आए वो नहीं पसंद है, तो इस वजह से मैं इस टाइम पर तड़का लगा रही हूँ इसका। अब गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। उड़द दाल का टेस्ट चटनी में बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो फटाक इसको हम चटनी में डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। तो हल्का सा पीसने के बाद हम इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे। तो हमें यहाँ पे चटनी थोड़ी सी लिक्विड ही पसंद है, तो मैं यहाँ पे 1/2 कप का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको गाढ़ी चटनी पसंद है तो आप उस हिसाब से पानी डालिएगा। तो आप देख सकते हैं एकदम क्रीमी हमारा टेक्स्चर मिला है चटनी का। तो चलिए अब इसका लगाते हैं दूसरा तड़का। दूसरा तड़का लगाने से पहले मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब एक तड़के पैन में हम 1 टेबल स्पून जितना ऑयल ले लेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, इसमें 1/2 टीस्पून जितना हींग डालेंगे, 8 से 10 कड़ी पत्ता डालेंगे, 1 टीस्पून जितना राई दाना डालेंगे, 1 सूखी मिर्च डालेंगे, और इस तड़के को अच्छी तरीके से चटकाना, नहीं तो ये चटनी में कच्चापन देगा। तो इस टाइम पर मैं गैस की फ्लेम को स्लो कर दूंगी, और स्लो फ्लेम पर ही हमें राई को अच्छी तरीके से चटकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राई दाना अच्छे से चटक चुका है, तो हम इसको नारियल की चटनी के ऊपर डाल देंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी नारियल की चटनी। अगर वीडियो किसी भी कारण से पसंद आया ना, तो गाइस प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ पास में दिए गए बेल बटन को ज़रूर से क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।